कोरोना संक्रमण में एक मामूली सी टाइपिंग मिस्टेक ने भीलवाड़ा में हड़कंप मचा दिया। दरअसल चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में रविवार को कोरोना मुक्त भीलवाड़ा जिले में एक नया पॉजिटिव बताया गया, जिसकी सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया। वहीं जयपुर में मीडिया ने जब इस मामले को उठाया तो मामले की गहनता से पड़ताल की गई, जिसके बाद निष्कर्ष निकल करके आया कि टाइपिंग मिस्टेक के चलते भरतपुर के मरीज की एंट्री भीलवाड़ा में कर दी गई थी। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा में अब तक 28 कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, जिनमें से 26 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, तो वहीं 2 पॉजिटिव मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। आपको एक बार फिर से बता दें, रविवार को एक टाइपिंग मिस्टेक के चलते भीलवाड़ा प्रशासन में खलबली मच गई। दरअसल भरतपुर के पॉजिटिव मरीज की एंट्री भीलवाड़ा में कर दी गई थी, जिसके चलते भीलवाड़ा प्रशासन ने हरकत में आते हुए तुरंत स्क्रीनिंग की तैयारी कर ली। लेकिन इसी दौरान जब मीडिया ने प्रेशर बनाया, जब मीडिया ने गहनता से इसको जानना चाहा, तो निकल करके सामने आया भरतपुर के पॉजिटिव मरीज को भीलवाड़ा का बता दिया गया था। एक टाइपिंग मिस्टेक के चलते पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्रदेश का पहला जिला जो कोरोना मुक्त हो चुका है भीलवाड़ा, वहां पर फिर से कोरोना पॉजिटिव आने की बात सुनने के बाद भीलवाड़ा प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन फिर जब जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ कि भरतपुर के पॉजिटिव की एंट्री भीलवाड़ा के कॉलम में हुई थी, उसके बाद भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। आपको एक बार फिर से बता दें, भीलवाड़ा में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं है। जितने मामले थे लगभग सभी लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, तो वहीं 2 पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भीलवाड़ा से संवाददाता योगेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिली जब यह खबर मिली कि भीलवाड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव सामने आ गया है, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे? भीलवाड़ा में जब ये खबर मिली जयपुर एसएमएस लैब से कि भीलवाड़ा में एक कोरोना पॉजिटिव और सामने आया है, तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उसी समय उसको तत्काल घर से जो उसको होम क्वारंटाइन किया हुआ था, तुरंत उसको हॉस्पिटल लाया गया। उसके जो परिवार के 53 मेंबर और थे जिससे वो इन पीरियड में मिला था, उन सबको हॉस्पिटल लाके उनके सैंपल लिए गए थे। पूरे एरिया को सील किया गया था और जिन जिन परिवारों से मिलने वालों से इस पीरियड में वो खेलने भी गया था, क्रिकेट भी खेला था, तो उसके ऊपर उल्लंघन की धाराओं के कारण उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है क्योंकि उसको होम क्वारंटाइन किया हुआ था, उसने इसका उल्लंघन किया। तहसीलदार के कहने पर इस पर मुकदमा भी दर्ज किया है। आशीष जी, वहां पर जो सूचना मिली थी उसके साथ केवल एक पॉजिटिव की सूचना मिली थी या फिर पेशेंट का नाम भी बता दिया गया था कि ये पेशेंट है जो पॉजिटिव है? पेशेंट की सूचना तो मिली थी लेकिन बाय नेम सूचना आई थी, उसके कारण बहुत ज्यादा अव्यवस्था हुई थी कि उसको जैसे बाय नेम होने से उसके घर पे गई थी पूरी मेडिकल टीम, प्रशासन गया था, पुलिस प्रशासन गया था, उस पूरे एरिया को सीज किया गया है। बकायदा उसको होम क्वारंटाइन की जब 14 अप्रैल को वो जोधपुर से भीलवाड़ा आया था तो उसका सैंपल भीलवाड़ा की सीमाओं पर लिया गया था और उसको होम क्वारंटाइन की सलाह दी थी, लेकिन उसने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया और वो अपने पड़ोसी से मिलता रहा, अपने ससुराल भी गया, बकायदा वो पड़ोसियों के साथ मिलकर क्रिकेट भी खेलता रहा, तो उसको होम क्वारंटाइन उल्लंघन करने के लिए उसके ऊपर केस मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आशीष जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको और बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में अभी तक 900 से 1000 जो सैंपल हमने जयपुर भेज रखे हैं उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट आना बाकी है और अभी तक नहीं आई। और आज भीलवाड़ा में कोरोना टेस्टिंग लैब का उद्घाटन भी शुभारंभ भी हो चुका है। कलेक्टर जो राजेंद्र भाट है उन्होंने मेडिकल कॉलेज में स्थित लैब का शुभारंभ किया। आशीष जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे भीलवाड़ा संवाददाता योगेश शर्मा, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी किस प्रकार से वहां पे प्रशासन की तैयारियां चल रही है और अब भीलवाड़ा में कोरोना टेस्टिंग लैब की भी शुरुआत हो चुकी है।